देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश ने इस वक्त परेशान कर रखा है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड से लेकर गुजरात तक सिर्फ सैलाब ही सैलाब है। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ के बाद किसानों की फसलें खराब हो चुकी हैं, जिसके बाद उन्हें अब साल भर के लिए चिंता बढ़ चुकी है कि आखिर उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। कई इलाकों में घर भी गिर चुके हैं। किसानों ने कलेक्टर ऑफिस के घेराव के बाद किसान नेताओं ने सरकार से क्षतिपूर्ति की मांग की। वहीं वन इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट जब करने पहुंचा तो वहां की तस्वीरें बिल्कुल मार्मिक थी। देखने के बाद आपको नजारा कुछ और ही लग रहा है, जैसे लग रहा है कि मानो ये कोई खाली मैदान रहा हो, लेकिन कभी वहां पर किसानों की लहलहाती फसलें भी हुआ करती थी, लेकिन बाढ़ ने सब चौपट करके रख दिया। बाढ़ के बाद किसानों की स्थिति को समझा जा सकता है, तस्वीरों में ये पूरा इलाका ही साफ हो चुका है। जैसा कि देख सकते हैं, ये घोराना गांव में मैं अभी आया हुआ हूँ, जहाँ पर फार्मर का पूरा घर ढह गया है बारिश की वजह से। यहाँ पर बाढ़ आई थी और बाढ़ की वजह से पूरा का पूरा घर का एक कमरा गिर गया है अभी। और अभी आप खेत देख सकते हैं, इस फार्मर का पूरा खेत, पूरी की पूरी फसल बह गई है इस बारिश की वजह से। यहाँ पर दो डैम लगते हैं जिसका पानी आता है, सोरठी डैम एंड वर्तू डैम का पानी का यहाँ बहाव तेज आता है, जिसकी वजह से इस दोस्त के पूरा का पूरा खेत बह गया। आप विजुअल्स देख सकते हैं कि कितनी गंभीर स्थिति है अभी यहाँ पर गुराना गांव में। यहाँ पर बहुत सारे फार्मर्स के क्रॉप बर्बाद हो चुके हैं और अभी तक कोई सहाय गवर्नमेंट की तरफ से मिली नहीं है। तो फार्मर्स को ऐसी उम्मीद है कि गवर्नमेंट की तरफ से जल्द इसका सर्वे करवाया जाए और जल्द से जल्द उन लोगों को सहायता प्रदान की जाए। इतना ही नहीं, किसानों ने अपनी मांग को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस का घेराव किया, जहां पहुंचकर किसान नेताओं ने कलेक्टर से बातचीत की और किसानों के लिए कुछ इंतजाम करने के लिए कहा है। सुनिए, गुजरात में द्वारिका डिस्ट्रिक्ट में लास्ट 4-5 दिनों में लगातार बारिश के कारण हुआ यह है कि 237% बारिश हुई है। उसके कारण हुआ ये कि किसानों के जो खेत है वो खेत नदी बन गए हैं। आज तक जहां पानी नहीं पहुंचता था वहां पानी घुस गया है। किसानों के घर में, शहरी विस्तार हो चाहे ग्रामीण विस्तार हो, हर एक के घर में पानी घुस गया है। उसके कारण उनका जो रोज बरोज का खाना था, जो अनाज था, वो सब मतलब भीग गया है और किसानों की खेत, उनकी फसल सब कुछ बर्बाद हो चुका है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आज हमने कलेक्टर को एक मेमोरेंडम दिया है और मेमोरेंडम में डिमांड किया है कि ड्राफ्ट मैनुअल 2016 के तहत ये हरा दुष्काल यहाँ पर घोषित किया जाए, द्वारका डिस्ट्रिक्ट को एक स्पेशल पैकेज दिया जाए और जो सर्वे करे वो सर्वे तात्कालिक हो, ताकि किसान अगर जो खेत बचा है उसमें फिर से कुछ बोना है तो वो बो पाए। लिहाजा अब देखने वाली बड़ी बात होगी कि आने वाले समय में सरकार आखिर इन किसानों के लिए क्या उपाय करती है और क्या इनकी तरफ ध्यान भी जाता है या फिर महज राजनीति तक की बातें सीमित रह जाती हैं। इस खबर को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ढेर सारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं।